हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। समय बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आ गए हैं हम लोग भी घर के बाहर। अब तो गार्डनिंग वाला कोई काम नहीं है क्योंकि घास भी काट दिया है, भिंडी भी बो दिया है। बस अब जो बचा है वो मक्का बोना बचा है, वो तो अब 2-4 दिन बाद ही लगाएंगे। हालांकि बीज वगैरह सब लेकर के अंदर रखे हुए हैं। और आज एक नया ही काम है, वो तो अपना चलो शूज़ वगैरह धोने का काम चालू है क्योंकि धूल मिट्टी लग गए काफ़ी टाइम से। वहाँ सीढ़ियों में रखे हुए थे तो धूल मिट्टी सब लग रखे हैं। अब सफाई किया जा रहा है शूज़ की। और मॉर्निंग में ही इतनी तेज़ धूप, देखो सूर्य देव कितने तेज़ी के साथ आ रखे हैं। और यहाँ पर जो भिंडी लगा रखी थी वहाँ पर इस तरीके से पानी वगैरह लगाने के लिए पाइप रख दिया है, तो इसमें अपने आप पानी इस तरीके से भरता जाएगा। इसीलिए मींड वगैरह बना रखा है ताकि जो भी पानी इसमें डालें तो यहाँ पर ही रहे, दूसरे साइड को बहते हुए ना चले जाए और यहीं पर ही फिर ये वाला प्लॉट एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। जूते धोते धोते अब यहाँ पर पन्नी की सफाई करने लग गए हैं मम्मी। हर चीज़ साफ़ करनी है। स्लीप में लगाए रहते हैं ये पन्नियाँ, तो इनमें बर्तन वगैरह रखते हैं। ये 2 दिन से भारी था, मुझे लगा था मम्मी ने इसे रिटायर कर दिया है, तो मम्मी ने तो अपने शूज़ वहाँ पर धो धा करके पानी में डुबो दिए अच्छे से। और ये जय के सैंडल है और यहाँ पर मैंने अपने स्लीपर्स रखे हुए हैं, तो मैं इनको धो देती हूँ। जब तक मम्मी वहाँ पर पन्नी धो रहे हैं मैं इसे साफ़ कर देती हूँ अपने चप्पल। और यहाँ पर जूते धो करके यहाँ रख रखे हैं सूखने के लिए ये गिट्टियों में, क्योंकि इस साइड को आ रखी है धूप। और काम कंप्लीट हो चुका है क्योंकि पाइप हो चुका है फॉल्ट। और यहाँ पर रख दिया है धोकर पन्नी सूखने के लिए। अब देखना इसको किस तरीके से बांधा जाएगा। एक यहाँ पर से डोरी लगा देंगे, एक इस साइड से लगा देंगे, और इस तरीके से अब इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि फिलहाल यहाँ पर छाया है। और इन सैंडल के लिए तो अलग की जगह है भाई। ये देखो, ये है वाटर टैंक के यहाँ पे, वाटर टैंक के यहाँ पर रख दिया है सूखने के लिए। सैंडल धोए हैं यहाँ पर रख दिए, शूज धोए हैं वहाँ पर रख दिए, और खैर मेरे सैंडल तो अभी यहीं पर पानी में तैर रहे हैं। अब इनकी बारी है, इनको भी धो देती हूँ। धो दिया है, बस अब पानी से धो धा करके निकालना है। थोड़ी देर सर्फ में ऐसे डुबो दिया था। इनको यहीं पर रख देते हैं छाया में क्योंकि ये तो बस पानी निखर जाएगा, इसका ऐसे ही सूख जाएगा, इसको ज़रूरत नहीं है धूप की। हाँ, क्योंकि वो प्यारा से, नन्ना से, छोटा से, लाड़ीले हैं। नहीं, वो उसको धूप की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी तो चलो शूज़ वगैरह उनको तो धूप में रखने की ज़रूरत पड़ती है। 1.5 घंटे में सारे काम कम्प्लीट हो गया, बाहर का काम पूरा। कब आया तू नीचे? अरे बिजलू, तू तो ऊपर छत में चला गया था सोने के लिए, लग गया गरम। ऊपर छत में गया था सोने के लिए, अब यहाँ पर आ गया है। अब नया स्पून स्टैंड लेकर के आ गए हैं, लेकिन नहीं, फिर भी जो पुराना वाला है वही मम्मी को ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो उसको किस तरीके से ठीक करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो लूज हो रखा है इसीलिए मम्मी इसको धागे से टाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके लिए मम्मी ने मांगे थे सेलोटेप, तो मैं सेलोटेप भी लेकर के आ चुकी हूँ। तो देखते हैं मम्मी कैसे कैसे करके इसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। लो, अच्छा मतलब हेल्पर चाहिए। चलो भाई मम्मी की मदद करें इसको बनाने में। यहीं पर ही बिजलू भी बैठ कर के नमकीन खा रहा था। अब देखो दूध चाहिए इसीलिए चला गया किचन की ओर। और यहाँ पर हो चुका है बनकर स्पून स्टैंड, कर दिया मम्मी ने सही। बिजलू ने नमकीन तो खा लिया, तो
ये नमकीन ले चलते हैं अंदर, और इसका ये विस्कस का पैकेट भी ले चलते हैं अंदर। उसके बाद किचन में जाकर देंगे बिजलू को दूध। ले पी। बस इतना ही पीना था। दरवाजे पर बैठ गया। जाना है बाहर घूमने के लिए? नहीं, कहाँ जाने वाला है ये? जाएगा ये देखना सीधे पूजा वाले कमरे में? नहीं, तो वहां जा करके बैठ गया है बिजलू। सो फ्रेंड्स, यहाँ किचन में देखो, मम्मी ने तो ठिकर कोर के स्पून स्टैंड, उसमें चम्मच सजाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये वाला न्यू ले करके आ रखे थे जो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें चम्मच सही से नहीं लग रहे थे, तो मम्मी ने वापस से उसी को ठीक करके सारे चम्मच उसी में रख दिए वापस से। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं शाम के 6 और मैं भी हूँ घर के बाहर, और क्योंकि लूसी भी आ गया था तो लूसी को दे दिया है खाने के लिए खाना। आजकल वो छोटा कालू दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं छोटा कालू कहाँ है। लो भाई, खा पी करके लूसी तो चले गया, और मम्मी ने ये वाला फ्लावर पॉट यहाँ रख दिया, पहले से वहाँ पर था उन फ्लावर पॉट्स के साथ में बिल्कुल फ्रंट में, और अब यहाँ पर रख दिया है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट धूप लग रही है जिस वजह से फूल मुरझा जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा छाया भी है इसीलिए यहाँ पर रहेगा अब से ये फ्लावर। वही वाला सीन रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, धूप हुआ तो साइड में और छांव हुआ तो इधर। बिजलू 7 बजने वाले हैं। हाँ, गरम लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है गरम? क्योंकि बिजलू का भी हो रहा है जाने का टाइम, इसलिए जाने से पहले बिजलू अपना डिनर करके जा रहा है। जाने से पहले नमकीन और बिस्कुट खा रहा है। दूध भी पिएगा बिजलू? हो गया बिजलू का भी जाने का टाइम, तो बिजलू भी चला गया। बाय बाय बिजलू। दाएं बाएं देख करके जाता है ये। ये देखो फ्रेंड्स, कल्लू कालिया आ गया, दे देते हैं इसको खाना। ये बहुत दिनों से दिख नहीं रहा था तो आज दिख गया है, वो भी रात को आ रहा है। ये तेरा हाथ ठीक होने लग गया? थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है इसका हाथ। चलो सही है, ठीक होने लग गया। सो फ्रेंड्स, बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है रेडी, और हम लोगों का बिजलू भी अपना डिनर करके चला गया है घूमने के लिए, और इतने दिनों बाद आज कल्लू कालिया भी आ गया तो उसको भी करा दिया है डिनर, और अब फाइनली हम लोगों की बारी है अपना डिनर करने की। तो अभी हम लोग भी करेंगे अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।